हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अमित टेलर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में करेंगे Redmi Note 9 Pro Max की अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू। तो दोस्तों इस बॉक्स के अंदर है Redmi Note 9 Pro Max जो आज ही मुझे डिलीवर हुआ है अमेजोन से। इसका प्राइस मुझे 18,000 पड़ा है और यह है 6GB 128GB का वेरियंट। तो जल्दी से इस बॉक्स को खोल लेते हैं और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है, और इसके साथ साथ इसका क्विक रिव्यू भी करेंगे और इसका कैमरा क्या सैम्पल है उसका भी इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। तो फिर दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यह Redmi Note 9 Pro Max का अमेजोन से आया हुआ बॉक्स पैकेजिंग। इस पैकेज के अंदर है Redmi Note 9 Pro Max। इसको मैं पहले से ही खोल के देख लिया हूँ ज़्यादा आप लोगों को अच्छा तरह से दिखाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं इस बॉक्स को Redmi Note 9 Pro Max ऊपर लिखा हुआ है, और पीछे की तरफ आप लोग इस फ़ोन का फुल स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G लेटेस्ट प्रोसेसर है, 8 नैनोमीटर, बहुत ही ज़्यादा पावर एफिशिएंस होगा, और 64 मेगापिक्सल रियर कैमरा है और 32 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले कैमरा है। और यहाँ पर आप डॉट डिस्प्ले दिखेगा, फुल HD प्लस वार्निंग, गोरिल्ला ग्लास 5 भी मिलेगा, 6.67 इंच का बड़ा सा डिस्प्ले मिलेगा, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग इन द बॉक्स। बॉक्स में ही आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलेगा, बहुत ही कमाल का बात है। और इसका बैटरी है 5020 mAh का, तो बहुत ही लंबा बैटरी भी मिलेगा। तो चलिए फटाफट आप बॉक्स को ऑन ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इस बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो खुल गया सिम, तो खुल गया, और खुलने के बाद और एक बॉक्स आपको मिलता है। तो ये है और एक छोटा सा बॉक्स, इसके अंदर है कुछ पेपर वर्क और अच्छे क्वालिटी का एक TPU केस भी है। आपको देख सकते हो बहुत ही नरम है और बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर आपको जो कैमरा जो हिंज है वो भी आपको किसी भी जगह पर टकरा भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हिंज किया है। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ, ठीक है, और देख लेता हूँ बॉक्स में और क्या कुछ है। तो दोस्तों यह है मेन फ़ोन, तो इसका ही हम लोग इंतज़ार कर रहे थे इतने दिन से, अब फाइनली हम लोगों को मिल गया। तो ये है Redmi Note 9 Pro Max। तो आप पहले लुक देख ले सकते हो, इंटरस्टेलर ब्लैक है, सो बहुत ही प्यारा लुक है। उसका कैमरा का डिज़ाइन मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, और बड़ा सा डिस्प्ले, तो लुक सब देख लो, बहुत ही कूल और बहुत ही अच्छा लुकिंग वाला डिस्प्ले है। इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ और देख लेता हूँ बॉक्स में और क्या कुछ मिलता है, ठीक है। तो बॉक्स में आप लोगों को USB टाइप सी का केबल मिलता है, वो भी रेड कलर का, बहुत ही कूल लग रहा है। और चलिए दोस्तों और देख लेते हैं और एक चीज़ जो बहुत ही कमाल का है, वो है इसका चार्जर, वो भी 33 वाट का। तो इन द बॉक्स ही आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है, तो बहुत ही कमाल का बात है। इतना बड़ा चार्जर बजट रेंज में आप लोगों को नहीं मिलता है Redmi का फ़ोन में। Realme का मिलता है लेकिन Redmi का नहीं मिलता है, अभी Redmi में भी मिलना शुरू हो गया है। तो दोस्तों इस फ़ोन को ऑन कर लिया हूँ मैंने, ठीक है। तो आप लोग पहले आप देख सकते हैं फ़ोन का डिस्प्ले, तो डिस्प्ले मुझे बहुत ही कमाल लग रहा है, और इसका डिस्प्ले का ऊपर जो बिंदी नॉच है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्रीमियम डिवाइस लग रहा है। लग रहा है ये नोट 9 नहीं है, रेडमी नहीं है, इस सैमसंग का कोई फ़ोन है, वो भी प्रीमियम रेंज का। तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले भी दिया है। तो पहले देख लेते इस फ़ोन का फिजिकल ओवरव्यू। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को दिखेगा एक सिम का ट्रे, वो भी ट्रिपल सिम का ट्रे है। आप लोग देख सकते हो दो सिम कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, एक microSD कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। वैसे भी इसका स्टोरेज 128 है, फिर भी आप एक मेमोरी कार्ड अगर चाहे तो लगा भी सकते हो एक साथ सब कुछ। और भी कुछ भी नहीं मिलता है, ऊपर की तरफ आपको मिलता है IR ब्लास्टर, सभी फोर Redmi का फ़ोन में मिलता है, सेकेंडरी नॉइज कैंसलेशन माइक। और राइट हैंड साइड में आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर अप एंड डाउन, और इसमें आपको पावर की, और यही है आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसमें ही आप फिंगर को रखोगे टप तो जल्दी से फ़ोन को अनलॉक हो जाएगा। तो पीछे की तरफ आपको मिलेगा टाइप सी मेन माइक्रोफोन, स्पीकर ग्रिल, और यहाँ पर आपको मिलता है 3.5mm ऑडियो जैक। तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फ़ोन है ये, 5000 mAh का बैटरी है, लेकिन उसके बावजूद भी उतना ज़्यादा भारी मुझे नहीं लगता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कमाल का किया गया है इस फ़ोन के। तो चलिए पहले देख लेते इस फ़ोन का डिस्प्ले। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो डिस्प्ले, तो डिस्प्ले तो बहुत ही मुझे कमाल का लग रहा है डिस्प्ले का क्वालिटी। तो इसमें IPS डिस्प्ले दिया है, वो भी 60Hz का, लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही अच्छा है।
मुझे बहुत ही कमाल का डिस्प्ले लग रहा है। इसका कलर रिप्रोडक्शन, इसका सैचुरेशन बहुत ही अच्छा है। इसका टच रिस्पॉन्स भी मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग व्यू एंगल भी देख सकते हो। तो यह 6.67 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, तो डिस्प्ले के प्रोटेक्शन भी अच्छा है, ठीक है। और इसमें इस डिस्प्ले के अंदर ही आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, तो कैमरा भी बहुत अच्छा होगा मुझे तो लगता है, क्योंकि मेगापिक्सल बहुत अच्छा है। तो अब देख लेते इस फ़ोन का सेटिंग, ठीक है। तो सेटिंग में जाएंगे और देखेंगे अबाउट फोन। तो अबाउट फोन में आप देखेंगे रोड 9 प्रो मैक्स लिखा हुआ है और MIUI वर्शन आप देख सकते हो 11 है और एंड्रॉयड 10 है, ठीक है। तो एंड्रॉयड 10 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, ये बहुत ही अच्छा बात है। तो यही है इस फोन का डिस्प्ले एंड फिजिकल ओवरव्यू। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इसका MIUI जो टिपिकल यूजर इंटरफेस है वही है इसमें, और इसमें थोड़ा बहुत ब्लोटर आपको मिलेगा, वो भी आप इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हो इस तरह से। तो ब्लोटर बहुत ज़्यादा नहीं है, जो भी है उसको आप इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हो, उसके के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको MIUI का जो ऐड है वो तो दिखेगा ही, तो उसमें कुछ बात तो नहीं किया है। और दोस्तों आप देख लेते इस फ़ोन का कैमरा। तो दोस्तों आप लोग पीछे की तरफ आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा कैमरा है, 4 कैमरा पीछे की तरफ है और 1 कैमरा सामने की तरफ है। तो इसमें मेन जो कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर। सोनी का सेंसर नहीं दिया है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, सोनी का सेंसर देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है। पोको में दिया है लेकिन इसमें क्यों नहीं दिया है मुझे पता नहीं है, लेकिन सोनी के साथ सैमसंग नहीं है, सैमसंग का सेंसर है। और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 5 मेगापिक्सल का आपका मैक्रो सेंसर भी मिल जाता है। और दोस्तों सामने की तरफ 32 मेगापिक्सल का कैमरा तो आपको मिलता ही है। तो यही है इसका कैमरा का सेटअप। तो चलिए आप देख लेते हैं इसका कैमरा के क्वालिटी की क्या कैसा है। तो दोस्तों ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ये Redmi Note 9 Pro Max का रियर फेसिंग कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है फुल HD में। इसके साथ स्टेबलाइजेशन आप चेक कर सकते हो, स्टेबलाइजेशन किस तरह से आप लोगों को मिलता है, ठीक है। तो वीडियो क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, सैचुरेशन थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, आप ग्रीनरी सीन्स को देख सकते हो सैचुरेशन कितना है। आप लोग आप देखो फोकसिंग बहुत अच्छा कर लेता है, ठीक है। आप देख लो और एक बार फोकस टेस्ट मैं करूँगा इस फूल के ऊपर, तो फोकसिंग में कोई इशू नहीं है, लगभग अच्छा फोकस कर रहा है और बैकग्राउंड ब्लर भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो एकदम सनलाइट के एगेंस्ट फोटो खींच रहा हूँ एकदम सनलाइट की तरफ, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये फुल HD रिकॉर्डिंग आपका सामने जो भी है आपका सामने।